नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यज्ञोपवीत क्यों धारण करें, जनेऊ क्यों धारण करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार भी होता है। उपनयन का अर्थ होता है पास या सन्निकट होना, मतलब कि आपके पास नज़दीक हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि ऐसा संस्कार जो हमें भगवान के नज़दीक, भगवान के पास ले जाए, इसको हम बोलते हैं उपनयन, उपनयन संस्कार बोलते हैं। मनुष्यों पर, जैसा हम लोगों को विदित है, हम लोग जानते भी हैं कि मनुष्यों पर तीन प्रकार का ऋण होता है। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण, जिनको मनुष्य को चुका पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण जिनको चुका नहीं पाता है। इसलिए जनेऊ के तीन धागे धारण करता है। जनेऊ के तीन धागे धारण करने, पुराणों के अनुसार, जो भी हमारे वेदों के अनुसार, जो भी द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञों पर भी धारण नहीं करता, वह पतित हो जाता है और उसके द्वारा किया गया दान, जप, तप, स्नान, पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ को यज्ञोपवीत, उपवीत, यज्ञसूत, व्रतबंध, बलबंध, मोदीबंध व ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में वर्णित है और बहुत प्राचीन ही है। अतः दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपने देखा होगा, यह जो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा और यह अपने जीवन में आप पालन भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।